वकील मेरे बेटे का मुकदमा नहीं लड़ रहे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने लगाया आरोप। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने गायक सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में अपने बेटे के केस को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट पर दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि वकील मेरे बेटे का केस नहीं लड़ रहे हैं। नई दिल्ली से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने गायक सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में अपने बेटे के ट्रांजिट रिमांड सहित विभिन्न आदेशों को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तथा शिकायत की कि पंजाब के वकील उनके बेटे का बहिष्कार कर रहे हैं और आरोप लगाया कि उसका मुकदमा लड़ने के इच्छुक नहीं है। बिश्नोई के पिता की ओर से पेश एडवोकेट संग्राम सिंह सरोन ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की खंडपीठ को अवगत कराया कि उन्होंने दिल्ली की एक अदालत के ट्रांजिटल रिमांड आदेश को चुनौती दी है, लेकिन पंजाब की मानसा अदालत में कोई भी वकील बिश्नोई का मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि बिश्नोई ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है, लेकिन उनकी ओर से कोई वकील खड़ा नहीं होना चाहता है, इसीलिए उन्होंने सिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। और खंडपीठ ने कहा है कि पूरी तरह से गैर नियोजित है और बिश्नोई को कानूनी सहायता के लिए वकील उपलब्ध कराए जाने चाहिए। वास्तविक याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सरोन ने कहा कि वह ट्रांजिटल रिमांड के दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि यह बिश्नोई की याचिका पर शीर्ष अदालत द्वारा पारित कुछ निर्देशों के विपरीत है। पीठ ने कहा कि पंजाब पुलिस मामले की जांच कर रही है, यह बहुत आरंभिक चरण में है, इस अदालत के लिए इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि हत्या पंजाब के मानसा में हुई है और इसीलिए मामले की जांच करना पंजाब पुलिस का अधिकार क्षेत्र है तथा पुलिस उसे रिमांड पर ले सकती है। पीठ 11 जुलाई को बिश्नोई के पिता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुए। मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली की एक अदालत ने 14 जून को बिश्नोई को पंजाब ले जाने के लिए पंजाब पुलिस को ट्रांजिटल रिमांड दिया था।